हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका सोनी कुकिंग डिलाइट में। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली और बहुत ही जल्दी बन जाती है। व्रत में आप इसे खा सकते हैं, वैसे भी आप एज अ स्नैक इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, क्विक बन जाता है। तो ये क्या है? ये है मखाने। मखाने जिसे हम फॉक्स नट भी कहते हैं या पफ्ड लोटस सीड्स भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं और यहाँ पर मैंने ज़ीरा जो है उसे भून लिया था तवे पर। भून कर उसे मैंने पीस लिया है। तो ज़ीरा पाउडर है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने काली मिर्च है जिसे पीस लिया है, कूट लिया है थोड़ा सा मोटा मोटा। और यहाँ पर व्रत का सेंधा नमक यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। और इस मखाने को हल्का सा रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं पीनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मूँगफली के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि व्रत का बना रही हूँ इसीलिए पीनट ऑयल यहाँ पर मैं यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं बहुत ही आसान मखाने रेसिपी। कढ़ाई गैस पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, और अब थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें मैं मूंगफली का तेल जो है वो ऐड करूँगी मखानों को रोस्ट करने के लिए। मखाने जो हैं वो बहुत जल्दी घी या तेल जो है वो सोख लेते हैं, तो हमें इतना डालना है जिससे कि अच्छे से हमारे मखाने जो हैं वो रोस्ट हो जाएं। पाँच से छः चम्मच जितना मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। लीजिए, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं मखाने ऐड कर देती हूँ। तीन कटोरी जितने मखाने जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब इसे मैं गैस मेरा सिम पर ही है, तेज़ पर नहीं रखूँगी नहीं तो ये जल जाएंगे, और इसे हिलाती रहूँगी। पाँच सात मिनट तक इसको रोस्ट करूँगी। जब इसमें से हल्की हल्की भुनने की खुशबू आ जाएगी, पता चल जाता है जब कोई चीज़ तैयार हो रही होती है तो उसमें से खुशबू आने लगती है। तो जब मखाने थोड़े से भुन जाएंगे और मुझे लगेगा कि हाँ ये अब तैयार हैं, उसके बाद इसमें नमक, ज़ीरा और काली मिर्च जो है वो हम ऐड करेंगे, और हमारे बहुत ही स्वादिष्ट रोस्टेड मखाना जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। आँच गैस मैंने बिल्कुल सिम पर रखा हुआ है, लो फ्लेम पर मुझे इसको बनाना है, तेज़ पर मुझे इसको बिल्कुल नहीं बनाना है। इसी तरीके से आप जो दूसरे नट्स हैं, बादाम है, काजू है, उनको भी इसी तरीके से रोस्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाले क्विक स्नैक्स हैं। देखिए कलर जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे रोस्ट होते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। लीजिए, मखाने थोड़े थोड़े हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब टाइम है इसके अंदर नमक मसाले ऐड करने का, जो हमने इसके लिए निकाल कर रखे हैं। नमक, जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, और कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपको काली मिर्च नहीं पसंद है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं डालिए। अगर पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। अच्छे से इसे हिला लें। लीजिए, चटपट हमारे रोस्टेड मखाना जो है वो रेडी हो गए। बहुत ही आसान रेसिपी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो ये वाली रोस्टेड मखाना की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।